सोलो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स जल्दी अपनी एक और नई कॉम्पैक्ट एसयूवी को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में एक शानदार एसयूवी को कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये एक मिडसाइज एसयूवी रहने वाली जो कि ब्लैक कोड नेम से जानी जाने वाली है। शानदार फीचर से लेस ये कार सिर्फ लोगों के बजट में ही नहीं बल्कि उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी कराएगी। एक लग्जरी एक्सपीरियंस ये कार ही प्रोवाइड करेगी। हाल ही में इस कार की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिन्हें देखकर कुछ लोग इस कार को खरीदने का मन बना रहे होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि यह एसयूवी भारतीय बाजार में ह्युंडई की क्रिएटा, किया सेल्टोस, निसान गिग, रेनॉल्ट डस्टर जैसी गाड़ियों से मुकाबला करने वाली है। इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए से स्टार्ट रहने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार ये कार हैरियर और सफारी जैसी एलईडी सिस्टम से लेस होने वाली है जैसे लुक शेयर कर सकती है। साथ ही इस ब्लैकबर्ड को टाटा के अल्फा प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा जिस प्लेटफॉर्म पर नेक्सॉन एंड अल्ट्रोस जैसी शानदार गाड़ी भी बेस्ड है। वहीं इसमें बात करें इंजन की तो इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। फीचर्स की बात करें तो ब्लैकबर्ड में संभावित फीचर है कि इसमें आपको सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग जैसे काफी शानदार फीचर्स इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस गाड़ी की प्राइसिंग लगभग नियर अबाउट सेम रहने वाली है किया की सेल्टोस के आसपास और ह्युंडई की क्रिएटा से मिलती जुलती। और इस गाड़ी की जो लॉन्चिंग है वो 2022 के एंड तक भारतीय बाजार में कंपनी करने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कंपनी ने अपनी माइक्रो एसयूवी टाटा एचबीएक्स को लॉन्च कर दिया है और ऐसे में अब आने वाली जो गाड़ी है टाटा HBX की वो रहने वाली है टाटा की ये ब्लैकबर्ड, जिसे आप स्क्रीन पर इसके रेंडर्ड इमेज को देख सकते हैं। इस तरह की गाड़ी से रिलेटेड न्यू वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, नाइस डे।